गुड मॉर्निंग एवरी वन. एज़ यू नो दैट वी हैव ऑलरेडी कम्प्लीटेड द चैप्टर द फ्रेंडली मंगूस इन द लास्ट क्लास एंड आई जस्ट क्विकली रिवाइज दिस चैप्टर. इन द लास्ट क्लास ऑफ योर सप्लीमेंट्री रीडर वी हैव फिनिश्ड द चैप्टर कॉल्ड द फ्रेंडली मंगूस. And the story was about a farmer and his wife. They used to live in a village. They had a small child. One day the farmer brought a tiny mongoose to their home as their son's companion. So he was a baby mongoose. In 5 to 6 months the mongoose grew to its full size, whereas the farmer's son was still a baby. So what is a mongoose? In Hindi we call it nevla, hai na? It is an animal and generally we see the fight of mongoose and snake. So here the farmer and his wife, they bring a baby mongoose so that unke baby ke liye companion ho sake, saathi ho sake. He should be a companion to the baby. One day the farmer's wife needed to go to the market. So I'm just telling you a brief summary what happened in this chapter, because we have already studied this chapter. I want to discuss the question answers with you. So one day the farmer's wife needed to go to the market and the baby was sleeping in a cradle. Cradle is a it is called jhula jise bolte hain. So she did not like the idea of leaving the child along with the mongoose. Already she was hesitant. In her absence she asked her husband to keep an eye on the child, but soon after she had left, her husband had to go to the fields and he didn't return for quite some time. So she just left and husband also left for some work to the field. फील्ड क्या होते हैं? जो खेत होते हैं, ठीक है. व्हेन द फार्मर्स वाइफ केम बैक होम फ्रॉम द मार्केट शी सॉ मंगूसेस फेस एंड पॉज स्मियर्ड विद ब्लड. सो स्मियर्ड मतलब पूरे जो पूरे लिपटे होते हैं, जो पूरे जैसे कहते हैं इन हिंदी वी यूज़ द वर्ड सना, सने हुए होते हैं हाथ. स्मियर्ड विद मड मतलब मड से सने हुए, जिसमें पूरी तरह से लगा हुआ होता है कोई भी चीज़. सो स्मियर्ड विद ब्लड, ब्लड से पूरी तरह से उसके पॉज पंजे एंड हिज फेस वॉज स्मियर्ड विद ब्लड. So sudden reaction, she took a sudden hasty reaction. The moment she saw, she was blind with rage. गुस्से के मारे she was almost blind, मतलब वो उसे गुस्से के मारे उसने और कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं सुना. She thought that the mongoose had killed her child who was sleeping inside. उसे ये लगा कि मंगूस ने उसके बेटे को मार दिया है जो अंदर सो रहा है, जो बच्चा अंदर सो रहा है उसको मंगूस ने उसके बेबी को मार दिया है. विदाउट वेटिंग फॉर अ मोमेंट शी हिट द मंगूस विथ हर हैवी बास्केट फुल ऑफ ग्रोसरीज. जो एक बास्केट वो ग्रोसरीज लेके आई थी, उस पूरी हैवी बास्केट से उसने मंगूस के ऊपर वो बास्केट फेंक दी. द मंगूस डाइड इंस्टेंटली, उसी समय मंगूस की डेथ हो गई. सो बट वेन द लेडी रीच द स्पॉट वेयर द बेबी वॉज स्लीपिंग शी फाउंड द बेबी अनहार्म. बेबी तो अनहार्म था, वहाँ तो वो सो रहा था. देन शी सॉ एन इंज्योर्ड डेड स्नेक लाइंग नियर द क्रेडल ऑन द फ्लोर. एंड फिर उसने देखा कि एक इंज्योर्ड, एक घायल मरा हुआ, घायल होके जो मर गया है, दैट स्नेक वॉज लाइंग नियर द क्रेडल. क्रेडल के बगल में फ्लोर के ऊपर, फर्श के ऊपर वो मरा पड़ा है, बॉडी है उसकी. किसकी? डेड स्नेक की. द फार्मर्स वाइफ अंडरस्टूड द होल स्टोरी. अब उसे होल स्टोरी, उसे पूरी बात समझ में आई. द मंगूस हैज किल्ड द स्नेक एंड सेव्ड हर सन्स लाइफ. द लेडी वॉज फिल्ड विथ रिग्रेट. इट वॉज टू लेट नाउ. सो अब उसे समझ में आ गया पूरी तरह कि मंगूस ने असल में उसके बेबी को नहीं बल्कि स्नेक से उसकी बेबी की जान बचाई थी. बट अब उसको रिग्रेट हो रहा था, पछतावा हो रहा था. बट नाउ इट वॉज टू लेट. शी हैड लॉस्ट हर फेथफुल पेट बिकॉज ऑफ हर हेस्टी एंड रैश एक्शन. उसने अपना एक फेथफुल, एक अपना प्यारा जो पेट है वो खो दिया अपने हेस्टी और रैश रिएक्शन के. रैश और हेस्टी जो बहुत जल्दबाजी में बिना सोचे समझे कोई नतीजा निकाल लेते हो आप या कुछ कोई भी चीज़ है, तो इसलिए उसकी वजह से उसको ये भुगतना पड़ा. सो द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज़ वी शुड नेवर टेक एनी एक्शन विदाउट थिंकिंग ट्वाइस, विदाउट नोइंग द रियल स्टोरी बिहाइंड इट. हर एक चीज़ जो दिखती है वो वैसी नहीं होती. एंड आर एक्शन शुड नॉट बी इन अ वेरी हेस्टी एंड इन अ फिट ऑफ रेज. हमें रेज में, गुस्से में कोई भी एक्शन नहीं, कोई भी काम नहीं करना चाहिए. 10 बार उस चीज़ को सोचना चाहिए एंड उसके रिपरकशन क्या होते हैं वो सोचने चाहिए, और उसके बाद ही हमें कोई कदम उठाना चाहिए. सो नाउ टुडे वी विल बी डिस्कसिंग सम ऑफ द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस सप्लीमेंट्री रीडर चैप्टर 2 द फ्रेंडली मंगूस.
So the first question here you can see, why did the farmer bring a baby mongoose into the house? So why did he bring? The farmer brought the baby mongoose to the sons to be their son's future companion. He wanted ki jab wo bada ho jayega to ye iska saathi banega, theek hai? Now the next question is, why did the farmer's wife not leave the baby alone with the mongoose? Farmer ki wife baby ko mongoose ke saath kyun nahi chhodna chahti thi akele? The farmer's wife did not trust the mongoose. Usko trust nahi tha mongoose pe, vishwas nahi tha. She thought it to be a wild animal, so she did not leave the baby alone with the mongoose. Use lagta tha ki wo wild animal hai after all, so wo baby ko mongoose ke saath nahi chhodti thi. What did the farmer say when his wife expressed her fear? Jab wife ने अपना फियर बताया कि आई डोंट हैव दैट मच ट्रस्ट और फेथ इन द एनिमल, तो फार्मर ने क्या बोला? द फार्मर सेड दैट द मोंगूस वाज अ फ्रेंडली एनिमल एंड शी शुड नॉट वरी. उसने बताया कि मोंगूस जो है एक फ्रेंडली एनिमल है, वो दोस्ताना जो दोस्ती वाला है वो जानवर है, उसे घबराने की ज़रूरत नहीं है. Now the question fourth which we can see here is, why did the farmer's wife strike the mongoose with the basket full of groceries? अब वो basket full of groceries उसके सिर पर उसको उसके ऊपर क्यों फेंकती है, क्यों मारती है mongoose को? On seeing the blood smeared mongoose, the farmer's wife thought that it had killed her baby. So she struck the mongoose with her basket. अब उसको देख के blood smeared mongoose को देख के farmer की wife का instant thought ये आया कि उस mongoose ने अब उसके baby को kill कर दिया है, मार दिया है. So उसने क्या किया, mongoose को अपनी basket फेंक के शी स्ट्रक हिम. स्ट्राइक का पास्ट टेंस विल बी स्ट्रक. सो शी स्ट्रक द मंगूस विथ हर बास्केट. नाउ द फिफ्थ क्वेश्चन हेयर इज, डिड शी रिपेंट हर हेस्टी एक्शन? हाउ डज शी शो हर रिपेंटेंस? क्या आपको लगता है कि शी वॉज रिपेंटिंग, उसे पछतावा हो रहा था अपने इस हेस्टी एक्शन पे, जल्दबाजी पे लिए गए जो डिसीजन जो एक्शन था? हाउ डज शी शो, उसने अपना रिपेंटेंस कैसे दिखाया? She repented her hasty action. हाँ हुआ था, उसे repent हुआ था. She touched the dead mongoose and started crying. उसने dead mongoose को छुआ और उसको पकड़ के वो रोने लगी. तो just because she was crying badly and she felt कि अब ये मैंने बहुत बुरी तरीके से, मतलब मैंने बहुत जल्दीबाजी में ये decision ले लिया. So these actions showed that she repented, है ना? जो बुक में हमें लिख के बताया है, वॉट एवर वी सी इन द टेक्स्ट, सो दिस इज़ ऑल बेस्ड ऑन कॉम्प्रिहेंशन टेक्स्ट. सो वी हैव टू सी द सेंटेंसेस, दोज लाइन्स विच शोज हर रिपेंटेंस. सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हेन यू आर रीडिंग एंड व्हेन यू आर आंसरिंग द क्वेश्चंस. सो वॉट एवर इज़ रिटन इन द टेक्स्ट, वी हैव टू आंसर डू in accordance with that only. So now the sixth question is, do you have a pet, a cat or a dog? If not, would you like to have one? How would you look after it? Are you for or against keeping the birds in cage as pets? So this question is entirely up to you. These are your feelings, your emotions. What do you feel? So this answer can be different to all the children. If they have pet, they will write, yes, we have a pet. If somebody has a cat, they will write cat. If somebody has a dog, they will write dog. And what are your views, that should we keep the pets and birds in the cage or not? So in my opinion, when I feel that the birds and animals, they can be used at they can be kept as pets because they are very friendly, very loving, but they should be part of our family. They should not be kept in chains and all, because they also need a place to live. They also need that freedom should be there. Even if it is a bird and if it is coming and going and it is there in the house, it is having it is taking flights here and there, so that way that is more like a genuine thing to make them as a pet, but we should not restrict their freedom anyhow. Okay, so with this this comprehension check and the question answers of this chapter 2 is over. If you still have any doubts and queries, you can just ask me and we can discuss it in our next class. Thank you and have a nice day.